हाय तो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। सो गाइस, अभी थंबनेल देख करके तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या करने वाले हैं हम जा रहे हैं। अभी तक 6 साल से हम स्पार्क फ्लाई कर रहे थे, ड्रोन जो DJI का है, अब लेने जा रहे हैं Air 3, क्योंकि हम जा रहे हैं लद्दाख। लद्दाख में इस बार सेक्सी सेक्सी शॉट्स लिए जाएंगे। और ये कैसा लग रहा है अपने पे हैट? सोच रहा हूँ कि इस हैट को लेकर चला जाऊँ इस बार लद्दाख राइड पे, ये पहन पहन के। चश्मे ले लेते हैं, चश्मे लगा के शूट करेंगे। तो चलिए बिना पग पग किए हुए पग निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें जाना है पुणे। ये जो लुक है, इंट्रो जो है थोड़ा लेट कर रहा हूँ, ड्रोन लेकर के आ गया तो उसके बाद से इंट्रो कर रहा था, तो ये लुक अभी दिख रहा होगा। जब ड्रोन परचेज कर रहा था तो ये चीज़ नहीं थी, समझ गए? तो चलिए फटाफट चलते हैं पुणे, वहाँ से अपने ड्रोन को उठाते हैं, लेकर के आते हैं, फिर देखते हैं कैसे फ्लाई करना है। तो इस व्लॉग को भी शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब, मैं शशांक शेखर सिंह आप सबका वेलकम करता हूँ अपने चैनल गो राइडर्स में। और बता दूँ, ड्रोन का जो प्राइस है वो है 1.5 लाख। 1.5 लाख का ड्रोन ले रहा है आपका भाई, 1.5 लाख का, तो आपका सपोर्ट बनता है पूरी लद्दाख सीरीज में, आपका सपोर्ट मांगता है आपका भाई। करोगे ना? करोगे ना? पक्का करना। चलिए फटाफट यहाँ से निकलते हैं। तो जी, हर राइड को शुरू करने से पहले गणपति पप्पा मौर्य, मंगल मूर्ति मौर्य, माता जी, अल्लाह वाहेगुरु वाहेगुरु, आज की भी यात्रा मंगल में रखिएगा। आज की जो राइड है हमारी 140 किलोमीटर की है। जैसा कि मैंने बताया आप सबको कि हम जा रहे हैं ड्रोन लेने, अपना नया वाला ड्रोन। फॉग क्यों बैठ रहा है चश्मे में? तो चेतक का टायर का काम हो गया, आज चेन स्पॉकेट का काम हो गया, सब हो चुका है लद्दाख राइड के लिए। बस बचा हुआ है ड्रोन, जो कि आज अपन लेके आ जाएंगे। बैनली की आवाज़ है यार, गजब की प्यारी आवाज़ है। सिर्फ बैनली बाइक लेने का मेरा दो ही मोटिव था, एक तो लगती है ह्यूज और दूसरी इसकी आवाज़ बहुत प्यारी है यार। सुन रहे हो ना, टाइम हो रहा है 6:41। धूप नहीं है लेकिन ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है कि मैं बता नहीं सकता हूँ, पूरा टी शर्ट जो है ना मेरा पूरा भीग चुका है। अगर थोड़ी देर में अपने टी शर्ट को निकाल करके निचोड़ूंगा ना तो सिर्फ पसीना ही गिरेगा पानी बहेगा भैया, पानी। और अभी तो लद्दाख राइड के लिए निकलना है मुझे मुंबई से, 5 दिन लगेगा हमें श्रीनगर पहुंचने में, तब जाके राहत मिलेगी हमें। श्रीनगर तक तो गर्मी से हालत ख़राब हो जाएगी, इनफैक्ट रामबन तक हालत ख़राब होगी, रामबन के बाद वेदर सही हो जाता है। जब से इसका टायर चेंज करवाया है ना और चेन स्पॉकेट ठीक कराया है ना भाई, लग रही है कि नई बाइक अभी मैंने शोरूम से निकाली है, वैसे भाग रही है। और इस बाइक का मैंने एक चीज़ देखा है, जब ये लोडेड रहती है ना तो मस्त भागती है, मस्त दबक के चलती है, और जब इसको अनलोड कर देता हूँ तो लगता है बाइक कुछ ज़्यादा ही हल्की हो गई है रोड पे। बहुत लोग पूछते हैं बैनली के बारे में कि भाई मुझे लेनी है, रिव्यू बताओ। देखो यार, अगर आपको बड़ी बाइक चलानी है, इस रेंज में बड़ी बाइक कोई नहीं मिलती है, देखने में भी मस्कुलर प्लस आवाज़ भी प्यारी है, और भाई हाईवे पर तो कोई जोड़ नहीं है इस बाइक का, मज़ा आता है चला करके। हाँ, माउंटेन में कह सकते हो थोड़ी सी मुश्किलात क्या, आपके राइडिंग स्किल पे है। पहली बार मैं बड़ी बाइक चला रहा था तो दिक्कत हो गई थी मेरे साथ कश्मीर में लास्ट ईयर। अगर आप पहले से चला रहे हो, अच्छे एक्सपीरियंस्ड हो, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी क्योंकि हमने गलती कर दी थी और नेपाल में जाकर फंस गई थी लिटरली, नेपाल से मुझे वापस लेके आना पड़ा था अपनी बाइक को। अरे बहुत टाइम लगता है भाई। हाँ भैया, कौन सा हाईवे जाम कर रहे हो जिस पे इतनी ट्रैफिक होती है? देखो भैया, पहली बार इतने दिन से मैं राइड कर रहा हूँ, 6-7 साल से राइड कर रहा हूँ इस रोड पे, पहली बार इन भीड़ को देखा है इस रास्ते पे इतने सारे, और इस चक्कर में इतनी ट्रैफिक लगी हुई है।
वाह भैया मजे ही मजे है तुम लोगों को। हाँ घाट सेक्शन शुरू हो चुका है। हाँ जी तो अभी धानी पहुंचने ही वाले हैं, 300 मीटर बच गया है। धानी एंटरप्राइजेस, ये है हाईवे से लगभग 6 किलोमीटर अंदर। गाइज अगर अभी ड्रोन लेना चाहते हो तो पहले आपको बता दूं, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा धानी एंटरप्राइजेस का, आप उनसे बात करके अपना प्राइस सब कुछ लोकेशन सब कुछ उनसे डिस्कस कर सकते हो। अपन ले रहे हैं DJI Air 3, DJI का 4 प्रो जो आता है, मिनी 4 प्रो, वो भी मैंने सोचा था, लेकिन उससे 25,000 का डिफरेंस मेरे को दिख रहा था। मैंने सोचा कि यार 25,000 में कुछ बड़ा चीज़ ले लेते हैं, क्योंकि ये है 750 ग्राम और वो जो था वो 259 ग्राम है। तो हवा के चक्कर में ना, इससे पहले मैं फ्लाई करता था स्पार्क, हवा के चक्कर में इधर उधर जाता था, तो मैंने सोचा थोड़ा भारी लेते हैं इस बार, कुछ अलग करते हैं इस बार। तो बस इसको करते हैं अनबॉक्स फटाफट और उसके बाद चलते हैं मुंबई वापस और देखें कहीं जगह मिली तो इसको आज फ्लाई भी करके देख लेंगे, है ना। तो भाई अफजल भाई, ये देखो अफजल भाई मेरा फोटो वीडियो बना है, कैसा लग रहा है भाई? अरे सामने बढ़िया लग रहा है भाई, एकदम मस्त, एक नंबर भाई। इसी के लिए तो हम लोग आए थे, खास करके ड्रोन लेने के लिए। तो आज का वीडियो जो मैं बोल रहा था, हम लोग एक सरप्राइज लेने जा रहे थे, ये सरप्राइज है, उड़न खटोला नया आ रहा है हमारे गो राइडर्स फैमिली में, DJI Air 3। और अभी पैसा वैसा दे दिया है, बहुत ज्यादा पैसा दे दिया है, तो बस उसी का थोड़ा सा दर्द है, बट बहुत अच्छी चीज है, क्वालिटी बहुत अच्छी चीज है, बढ़िया चीज है। अभी इसको करते हैं अनबॉक्स और दिखाते हैं आप लोगों को। और ये देखो, ये पूरा आपको अगर लेना है तो सारे चीज़ें अवेलेबल हैं, और अगर जो नहीं रहेगा आप बात करोगे फ़ोन पे तो वो भैया जो है वो आपको सब गाइड कर देंगे कैसे कब आना है क्या है, ठीक है। तो धानी इंटरप्राइजेस DJI का ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर बोल सकते हो, सर्विस बोल सकते हो इन पुणे। सो गाइस जी देखिए यहाँ पे है, ये मार्क किया हुआ है, ये आपको देखना है डब्बा पैक है कि नहीं, तो ये आपको दिख जाएगा। देखिए यहाँ देख रहे हैं सील पैक है पूरा। तो पहले ऊपर के पॉलीथीन को काटते हैं, बैग बहुत शानदार दिख रहा है, बैग के अंदर ही आई थिंक। पकड़ बाबा, नीचे से पकड़ इसको, एक काम कर ये भी पकड़ ले, दो दो कैमरा से शूट हो गया। तो बैकपैक की तरह इसका बैग, कुछ नहीं है, 1.5 लाख में इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है माल, 1.5 लाख रुपए में कुछ नहीं आ रहा है। देखो 1.5 लाख रुपए में अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर होगा कुछ ना कुछ जो भी होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रोपेलर्स एक्स्ट्रा, कितने ये रहा अपना ड्रोन, बड़ा ड्रोन पहली बार हाथ में लिया है, अभी तक लोगों को देखता था फ्लाई करते हुए, ओहो दिल महसूस जाता था, ओहो हो हो हो, ये देखो ये आ गया अपना उड़न खटोला, बढ़िया बढ़िया, इसके प्रोपेलर्स लगेंगे, मुहूर्त हो गया। और यहाँ से ये भी हमें एक्स्ट्रा हटाना होता है। इधर है हमारा RC कंट्रोल, ये रहा RC कंट्रोल, ठीक है पीछे। अब इसमें जो होगा मोबाइल वोबाइल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट इसी में से पूरा कार्यक्रम चलेगा। अभी यह है बैटरी कॉम्बो, इसको खींच करके ऊपर सर फट जाए इसे मार दो किसी को। कितना फ्लाइंग टाइम क्या है इसका, चलिए लेकिन 3 होगा ना बैटरी, एक उसमें अंदर एक ऑलरेडी लगा हुआ है क्या, अच्छा लेकिन चार्ज नहीं है बैटरी। ये है RC, ये है हमारा ड्रोन, ठीक है, ये सब हो गया है यहाँ पे रेडी। अब इसको चेक करेंगे और उसके बाद में बताएंगे, ठीक है। अब इसको चार्ज करना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही ये उड़ पाएगा। बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसमें, 1% भी बैटरी नहीं है, तो उसको चार्ज करना पड़ेगा। एक चीज बता दूं, चार्जर नहीं आता है, चार्जर आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए, किसी ने बताया नहीं था, उसको बता। मस्त भैया, ऑफ रोड ट्रेल के लिए आना है तो आ जाइए, मस्त है, चलो। हाँ तो चल आजा आजा, डरता है मजनू, ऑफ रोड देखते ही डर गया। क्या बात है, आ जाओ भैया मुंबई के आसपास, अगर ऑफ रोडिंग करने का शौक है तो मोरवे डैम आ जाओ।
ड्रोन लेके निकल गया था मैं घर, फिर वापस हम चार दोस्त आए मोरबे डैम सिर्फ ड्रोन फ्लाई करने के लिए। तो अभी ऊपर मैंने भेजा है ड्रोन को, कोशिश कर रहा हूँ कुछ एक दो शॉट्स निकाल लूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। चलिए ड्रोन फ्लाई करते हैं, नेक्स्ट शॉट देखते हैं, दिखाते हैं आपको। और ये जो लोकेशन है ना भाई साहब, मज़ा आ गया इस लोकेशन पे आकर के। तो ये जो वीडियो शूट कर रहे हैं हमारे अफजल भाई हैं, जो हमारे जिगर के छल्ले हैं, एक ये और एक हमारे नितिन बाबू। देखो लोकेशन, चलो अब इसको थर्ड आई से दिखाते हैं इस लोकेशन को। हाँ जी, तो दोस्तों बहुत नया पायलट हूँ अभी इस ड्रोन के लिए, तो जितनी शॉट्स ले सकता था उतनी शॉट्स ली मैंने इस लेक की। बहुत खूबसूरत है भैया, मॉनसून में अगर आओगे ना इस जगह पे तो मज़ा आ जाएगा, सच बता रहा हूँ। मॉनसून मिस मत करना, अगर मुंबई के आसपास हो, लोनावला के आसपास हो, पुणे के आसपास हो तो ज़रूर से आइएगा इस जगह पर, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा मॉनसून टाइम पर। ड्रोन फ्लाई करके हम निकले अपने मुंबई घर की तरफ, तो हमें एक मोहतरमा दिख गई जो अपने मेल फ्रेंड के साथ बाइक पे थी। ये पूरे रास्ते मुझे वेव करते हुए आई, लास्ट में इन्होंने बोला कि मेरा वीडियो बना लो, तो ये जो आप देख रहे हो उनके कहने पे ये वीडियो शूट किया है मैंने। सॉरी गो राइडर्स, देख लिया शॉट कैसा लगा? अभी तक नमूना था ये, अभी तक हम सीख रहे हैं, नमूना था। इसके बाद जो शॉट्स आएंगे ना लद्दाख के, जो शॉट्स आएंगे ना, मजा आने वाला है भाई, मजा आने वाला। और देखा ना मोहतरमा, उनको भी हमारी बाइक से प्यार हो गया, हमारे लिए कुछ नहीं था, वो बाइक का प्यार था, चेतक के लिए प्यार था उनका। सो बस इस व्लॉग में इतना ही रखते हैं, इसके बाद से जो सीरीज तो बस इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं, इसके बाद जो है लद्दाख सीरीज शुरू हो रही है। प्यार चाहिए आपका, सपोर्ट चाहिए आपका, छोड़ना नहीं सपोर्ट, ठीक है। हर व्लॉग को देखना, हर स्टोरी को देखना, और अभी भी बता दूं व्लॉग थोड़े दो चार दिन बीच कर करके आएंगे, क्योंकि राइड करना है, एडिट करना, सब कुछ एक साथ, थोड़ा मुश्किलात हो जाता है भाई साहब, लेकिन स्टोरी के थ्रू, रील्स के थ्रू पता चलता रहेगा। और उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इंस्टाग्राम, जो कि है गो राइडर्स अंडरस्कोर शशांक, वहां आइए, ठीक है। तो बस इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं, तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, एंड प्लीज सेव बोल जय, प्लीज।